जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? हाजिर हूं फिर से आपके लिए साप्ताहिक यानी कि वीकली राशिफल लेकर के। कैसा जाएगा आपके लिए ये हफ्ता 12 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी तक? क्या क्या घटनाएं आपके साथ होने वाली हैं और कैसे इस हफ्ते को आप प्लान कर सकते हैं, आज यही सारी चीजें हम जानेंगे। इस ज्ञान द्वारा हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं, हम आने वाले समय को जान सकते हैं और अपने पुरुषार्थ द्वारा इसे बेहतर कर सकते हैं। एक उम्मीद की किरण हमेशा हमारे साथ रहती है, उम्मीद का दामन हम कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हमें पता है आने वाला समय हमारे लिए बेहतरीन होने वाला है, अच्छा होने वाला है और भगवान की कृपा से, पूजा पाठ से, उपाय से, ज्योतिष विद्या की मदद से हम उसे बेहतर कर सकते हैं। तो केवल आप ये मत समझिए कि ज्योतिष विद्या में अगर आपने आज राशिफल जान लिया, आपने अपनी भविष्यवाणी जान ली या किसी एस्ट्रोलॉजर या पंडित जी ने आपको बताया है कि आने वाला समय अच्छा नहीं है, तो डर करके आपने बैठना नहीं है कि अरे उन्होंने कहा अब तो समय खराब आने वाला है। अपने पुरुषार्थ द्वारा, भगवान की भक्ति द्वारा, ग्रहों को प्रसन्न करने के लिए, अपने गुरुदेव की कृपा द्वारा आप उन ग्रहों को बेहतर करें, ताकि वो जो समय आपके लिए आए वो बुरा ना हो करके अच्छे में परिवर्तित हो जाए। ये है वास्तविक में ज्योतिष विद्या का काम, एस्ट्रोलॉजी का काम। ना केवल आपको डराना या आपको कभी साढ़े साथी के बारे में घबरा देना या कभी राहु की दशा के बारे में घबराहट पैदा करना, ये ज्योतिष विद्या का काम करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अपने जीवन में उम्मीद का दामन हमेशा थामे रहे, भगवान की भक्ति करते रहे, जिसके सर पर अपने गुरुदेव का हाथ होता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी बुरा समय उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ये जो राशिफल है ये आपके चंद्र राशि पर आधारित है, जन्म कुंडली में। चंद्र राशि से मेरा मतलब है कि आपकी जन्म कुंडली में जो चंद्रमा जिस घर में बैठे हैं वो आपकी जन्म कुंडली अनुसार चंद्र राशि है, उसके हिसाब से देख सकते हैं। और अगर नहीं मालूम है तो अपने पुकार का नाम जो आपका है उस नाम राशि के हिसाब से भी आप इसे देख सकते हैं। ये एक कॉमन राशिफल है, करोड़ों लोग इस राशिफल को देखते हैं, लाखों लोग इससे लाभ उठाते हैं। तो इसमें हर व्यक्ति के लिए कोई ना कोई संदेश, कोई ना कोई मैसेज जरूर होगा, क्योंकि ये जो राशिफल है ना केवल ज्योतिष के हिसाब से, हम जो भी भगवान द्वारा हमें इंट्यूशन, आभास शक्ति प्राप्त है उसके द्वारा भी मैं आपको बताती हूँ। तो जरूर अगर इस वीडियो को आप देख रहे हैं, ये वीडियो आप तक पहुंचा है, तो कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होने वाला है। हो सकता है सारी चीजें आपसे मेल ना खाए, जो आपसे मेल खाए उसको रखें, बाकी को जाने दें, क्योंकि आप समझ सकते हैं ये मैसेज दूसरा कोई किसी और के लिए हो सकता है। मकर राशि वालों, चलिए जानते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। सबसे पहले तो मुझे दिखाई दे रहा है आपके लिए इस हफ्ते में बहुत सारा कुछ होने वाला है और कुछ अचानक से होने वाला है। जो चीजें आपने सोची थी कि नहीं ये पॉसिबल नहीं है, ये हम नहीं करने वाले, ये हमसे नहीं होने वाला, वो लौट करके आपकी लाइफ में आएगा या कोई व्यक्ति लौट करके आपकी लाइफ में आ सकता है। जो आपसे छूट गया था, आपने छोड़ दिया था या उसने आपको छोड़ दिया था, चाहे कोई व्यक्ति है चाहे कोई वस्तु है, वो लौट करके आपके जीवन में आने वाली है और अनएक्सपेक्टेड होगा, आपने सोचा भी नहीं होगा, अचानक से चीजें आपके लिए होने वाली हैं। और बहुत कुछ इस हफ्ते में होने वाला है, तो आप थोड़ा सा रेडी रहिए, प्रिपेयर रहिए, काफी सारे फ्रंट पे बहुत कुछ आपके साथ ये हफ्ता आपको दिखाने वाला है। आप थोड़ा सा क्योंकि काम के बोझ से दब सकते हैं, काम ज्यादा हो सकता है, तो थोड़ा सा हेल्प करिए, हेल्प लीजिए। ये मत सोचिए कि हम अकेले ही सब कुछ कर लेंगे, हम ही बेस्ट करते हैं, हमारे जैसा कोई नहीं कर सकता है। थोड़ा सा हेल्प आपको लेना चाहिए, तभी आपका स्वास्थ्य जो है वो मेंटेन रहेगा, तभी आप अपने जीवन में और आगे बढ़ पाएंगे, तरक्की कर पाएंगे, वरना आप स्ट्रेस की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कुछ लोगों की कमर में दर्द हो सकता है, उनकी पीठ में, उनकी रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है, थोड़ा ध्यान देंगे। कुछ लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम बढ़ सकती है, अगर ऑलरेडी है तो आप इस हफ्ते में उस चीज का ख्याल रखेंगे। काम बढ़ेगा तो इस हफ्ते में वैसे तो आपकी ऊर्जा भी बढ़ती दिखाई दे रही है स्पेशली, लेकिन आप सूर्य में जरूर बैठे, सूर्य की किरणें जरूर एब्जॉर्ब करें, उनके सूर्यदेव के दर्शन जरूर करें, उससे भी सुबह उठ करके करने से ऐसा आपको और ज्यादा ऊर्जा प्राप्त होगी।
कुछ लोगों के घर में गेस्ट आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको और ज्यादा लेडीज को परेशानी हो सकती है, काम बहुत बढ़ जाएगा, बहुत सारे काम आपको एक साथ करने पड़ेंगे, तो कुछ ऐसा भी आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का मन एकदम इतनी सारी चीजें देख के विरक्त भी हो सकता है, आपका मन कर सकता है कि सब छोड़ छाड़ के जंगल में चले जाए, साधु वाधु बन जाए, बाबा जी बन जाए, वही बढ़िया काम है, ऐसा भी विचार आपके मन में आ सकता है, लेकिन फिर से आप घर गृहस्थी में अपने काम में मगन हो जाएंगे। इस समय में आपको बहुत सारी चॉइस मिल सकती हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें आपके साथ क्योंकि होंगी, बहुत सारे नए नए लोगों से आपका मिलना होगा, बहुत सारी नई नई चॉइसेस आपकी लाइफ में आएंगी, तो आप कंफ्यूज इस समय में रह सकते हैं। चलिए जानते हैं किस प्रकार से भगवान की कृपा हुई है, क्या चमत्कार हुआ है इस भक्त के साथ, इसकी बात सुनते हैं और फिर लौट के आएंगे आपकी राशि पर। दिल्ली से बहुत फ्रस्ट्रेट रहती थी, शांति नहीं मिलती थी, कोई काम में मन नहीं लगता था। गुरु माँ के दरबार में जब से आई, मन में भरोसा जगा, विश्वास जगा और आस्था भक्ति भी जगी। आज मैं गुरु माँ के दिए इस नौग्रह अंगूठी से बहुत फायदा हुआ और मैं आप सबसे भी आग्रह करती हूँ कि जो कोई किसी तरह की परेशानी से जूझ रहा है, गुरु माँ के दरबार आए, गुरुवार को निःशुल्क दरबार लगता है, फायदा उठाए। तो उसके लिए मुझे लगता है आपके जो भी सीनियर हैं, मेंटोर हैं, गुरु हैं, आपके जो भी बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे सलाह जरूर लें, वो आपको सही समय में गाइड करेंगे। अगर आप हायर एजुकेशन के लिए ट्राई कर रहे हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाना चाहते हैं या किसी चीज़ में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई कोर्स करना चाहते हैं, ये हफ्ता उसमें एनरोल होने के लिए बहुत अच्छा है, आप करिए, उसमें आपको सफलता मिलेगी और आपको विशेष प्रकार का ज्ञान मिलेगा जो जीवन में आपको यूटिलाइज आप उसको कर पाएंगे। इस समय में मेहनत तो आप बहुत करने वाले हैं लेकिन धन की प्राप्ति भी उसी हिसाब से आपको होगी, काफ़ी अच्छी धन की पोजिशन इस हफ्ते में आपको विशेष प्राप्त होगी। कुछ लोगों के लिए जो है मुझे दिख रहा है उनको अचानक से कहीं से पैसा आ सकता है, कोई शेयर मार्केट किसी जगह आपने इन्वेस्ट किया है वहां से कुछ पैसा आपको आ गया है, या कोई आपका लॉटरी लग गया है, या कोई आपको स्पेशल व्यक्ति के पास आपने इन्वेस्ट किया था वहां से पैसा आ जाए, कुछ है जो स्पेशल और अचानक से पैसा आपको आता दिखाई दे रहा है। कुछ लोग जो हैं वो अपने पार्टनर को प्रपोज कर सकते हैं ऐसा दिख रहा है, या उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं आप, ऐसा भी काफी लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। अगर कोर्ट कचहरी में आपका कोई मैटर चल रहा है तो अभी उसका कोई ऐसा फैसला आता तो नहीं दिखाई दे रहा है, तो मुझे लग रहा है कुछ डिले होगा उसके अंदर। इस हफ्ते में ऐसा कोई विशेष कोर्ट कचहरी में मैटर में आपको लाभ होता नहीं दिख रहा है। अगर आपका समय बहुत समय से खराब चल रहा है तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपके गुरुमा हमेशा आपके साथ हैं, अपने आप को बिल्कुल अकेला मत समझो। लेकिन हाँ, उसके लिए मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे मिलने के लिए आए। दिल्ली में हम होते हैं और भगवान ने चाहा तो आने वाले समय में हम आपके शहर में, आपके घर के आसपास भी जरूर आएंगे। हम ना केवल आपकी जन्म कुंडली देख करके आपके ग्रहों के बारे में आपको बताते हैं, आने वाले समय के बारे में बताते हैं, आपके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, साथ ही मान लीजिए कुछ समय आपके अनुकूल नहीं है, समय आपके विपरीत चल रहा है या आने वाला समय अच्छा नहीं होगा, तो उसके लिए आपकी समस्याओं का निदान करने के लिए मैं मंत्र सिद्ध करके आपको नारियल, फल, सब्जी, धागा और अन्य वस्तुएं प्रदान करती हूँ, जिसके सेवन से, जिसके उपयोग से, जिसके प्रयोग से लाखों लोग अपने जीवन में आनंद उठा रहे हैं, भगवान शनि देव की कृपा पा रहे हैं और उस चमत्कार को अनुभव कर रहे हैं जो हमारे सिद्ध दरबार में होता है। ये सिद्ध दरबार हर गुरुवार को लगाया जाता है, जहां मैं सब लोगों से मिलती हूँ। आप चाहे कितने भी गरीब हैं, आप चाहे कितने भी अमीर हैं, उससे कोई सरोकार नहीं है, आप इस दरबार में आए, आकर के मुझसे मिले, एक नारियल 1.25 मीटर लाल कपड़े में बांध करके लाएं और हम उसे मंत्र सिद्ध करके आपको देंगे, उसका प्रयोग करें। जो भी उसे प्रयोग करता है भगवान शनिदेव की कृपा से उनके साथ चमत्कार घटित होते हैं। तो इसको स्वयं अनुभव करने के लिए आपको आना पड़ेगा दिल्ली, हमारी साधना स्थली पर आप आए। सुबह से लेकर के शाम तक हम बैठते हैं और हर गुरुवार बैठते हैं, अपनी जन्म कुंडली दिखाएं और साथ में मंत्र सिद्ध करके अपने प्रयोग हेतु आप वस्तुएं लेकर के जाएं और भगवान की कृपा से अपने कष्टों को दूर भगाएं। एक बात और आपसे कहना चाहती हूँ, बहुत से लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि गुरुमा हमारी तो राशि खराब है, कुंभ राशि सबसे बेकार होती है, मकर राशि सबसे बेकार होती है। देखो, राशि कोई खराब नहीं होती, आपकी राशि में न जाने कितने अरबपति, खरबपति, करोड़पति होंगे। हाँ, आपके ग्रह अच्छे नहीं चल रहे हैं तो इसका मतलब आपकी इंडिविजुअल जन्म कुंडली में कोई दशा आपकी खराब चल रही है, तो उस दशा को आप ठीक करिए तो अपने आप ही आपकी जो दुर्दशा हो रही है वो ठीक हो जाएगी।
ये हफ्ता आप सभी के लिए बहुत शुभ जाए, बहुत मंगलमय जाए, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्णा।